नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और खूनी खजाना पार्ट 3। टापू के उत्तरी भाग में पहुंचने के बाद वे एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। होशियार होकर आगे बढ़ो, जंगल में खतरनाक व हिंसक जानवर हो सकते हैं, लेकिन वे हमसे ज़्यादा हिंसक और खतरनाक कदापि नहीं हो सकते। वे उस जंगल में लगातार काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन संयोग से उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और जंगल पार करते ही चट्टानी इलाका शुरू हो गया। इस चट्टानी इलाके के पार एक अन्य जंगल में ही हमारी मंजिल है शायद, यानी कि हम खजाने के बहुत पास हैं। चट्टानी इलाके के बाद वास्तव में फिर जंगल शुरू हो गया। नक्शे के अनुसार इसी जंगल के अंदर कोई मंदिर होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से अब खंडर में बदल चुका होगा। क्यों ना हम सब दो टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग उस मंदिर को तलाश करें, वरना पता नहीं उसे ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन शेरबाज मुझसे धोखा करने की मूर्खता मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं जानता हूँ, तुम सब तीन ग्रुपों में बंटकर चारों ओर फैलकर उस मंदिर के खंडर को तलाश करो। एक ग्रुप मेरे साथ रहेगा, लेकिन सावधानी से, समझे? बहुत अच्छा सरदार। पूरा काफिला कुछ टुकड़ियों में बंटकर जंगल में मौजूद उस खंडर को तलाश करने लगा। शेरबाज और दिलावर का एक ग्रुप था। दिलावर, लगता है हम उस स्थान के करीब आ पहुंचे हैं जिसके नीचे खजाना दफन है। आओ उसके ऊपर चढ़ें। यह तो कोई सुप्त ज्वालामुखी मालूम पड़ता है। हाँ, और ज्वालामुखी का मुंह ही खजाने का मुख्य द्वार है। यहीं कहीं उस मंदिर का खंडर भी होना चाहिए। वेरी गुड शेरबाज, वह रहा एक खंडर। मुझे विश्वास है कि वह किसी मंदिर का ही अवशेष है। तो क्या अब उस नकाबपोश को बुला लेना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि शेरबाज कोई उत्तर दे पाता, नकाबपोश हाजिर है। ओह, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। अब अपने और मेरे साथियों को भी यहाँ बुला लो, खजाने का मुख्य द्वार यही है। आहा, तो आखिर हम खजाने तक पहुँच ही गए। कमबख्त काफ़ी चलाक है, शायद शुरू से ही हमारा पीछा कर रहा था। रॉकी, जाओ और जाकर सबको यहाँ बुला लाओ। ओके बॉस। कुछ ही देर में जब उनके सारे साथी वहाँ एकत्रित हो गए, हम सब एक एक करके इस रस्सी की मदद से नीचे उतरेंगे। जानता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं, हमें एक एक करके ही नीचे उतरना होगा। और शाबाश, जल्दी करो, दौलत हमारे कदम चूमने वाली है, सिर्फ ख्वाब में। सबसे अंत में शेरबाज और दिलावर का नंबर आया। जबकि ज्वालामुखी के अंदर अंधेरा देखकर नकाबपोश व उनके साथियों ने मशालें जला ली थी। शीघ्र ही नक्शे पर एक जगह लाल क्रॉस का क्या मतलब है शेरबाज? ऐसा क्रॉस खजाने के मुख्य द्वार पर होना चाहिए। ज्वालामुखी के अंदर एक सुरंग सी चली गई थी, सब उसमें घुसते चले गए। एक जगह पहुंचकर एकाएक दिलावर प्रसन्नता से चीख उठा, अरे शेरबाज, यह देखो, कोई क्रॉस का चिन्ह मालूम पड़ता है। हाँ, यह लाल क्रॉस ही है, इस पर अब काई सी जम चुकी है, खजाना इस पत्थर के पीछे ही होना चाहिए। आहा, मिल गया खजाने का द्वार। अरे कमबख्तो, जल्दी करो, हटाओ इस पत्थर को। सावधान दिलावर, अब उससे होशियार रहना होगा, कहीं खजाना देखते ही वह हमें खत्म करने की ना सोच ले। समझ गया। जोर लगा के हईशा, हा हा, अब हम कुछ ही क्षणों में धनवान व्यक्ति बनने वाले हैं। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी पत्थर टस से मस ना हुआ। उफ, यह तो हिलता तक नहीं। फिर कोशिश करो हरामजादो, वरना एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। पूरे एक घंटे तक उस पत्थर से जूझने के बाद भी जब वे उसे नहीं हिला सके तो हटो कमबख्तो, अब मैं दूसरी तरकीब से इस पत्थर को यहाँ से हटाऊंगा। दूसरी क्या तरकीब सोची है तुमने? मैं उस पत्थर को डायनामाइट से उड़ा दूंगा। क्या? यह क्या बेवकूफ़ी है मिस्टर, हम इस समय ज्वालामुखी पर्वत के भीतर हैं, इसमें कोई भी धमाका खतरनाक हो सकता है, हम सबकी जान पर बन सकती है। शेरबाज ठीक कह रहा है, इस धमाके से सोया हुआ ज्वालामुखी फिर से जाग सकता है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर तुमने मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। हमारा इरादा तुम्हारे काम में रोड़ा अटकाना नहीं है, बल्कि हम तो तुम्हारी व इन आदमियों की भलाई के लिए कह रहे थे। तुम नहीं मानते तो तुम्हारे जो मन में आए करो। नकाबपोश ने उस पत्थर पर डायनामाइट फिट किया और धड़ाम, जब धुआं छटा, आहा, वह रहा खजाना, वो मारा, करोड़ों का खजाना, आहा। अगले ही पल वे पागलों की तरह खजाने पर टूट पड़े। आहा, अब हमारा कबीला खुशहाल हो जाएगा सरदार। ओह, यह कमबख्त भी अपना हिस्सा मांगने के चक्कर में है, क्यों ना इन्हें ही पहले खत्म कर दूं, वरना ये बाद में मेरे लिए मुसीबत बन जाएंगे। और उस खतरनाक नकाबपोश के दिमाग में यह बात आते ही, ठहरो मूर्ख जंगलियों,
उस खजाने को हाथ मत लगाओ। क्या मतलब सरदार? आज से 2 महीने पहले जब मैंने तुम्हारे पूरे कबीले से इस स्टेन गन की मदद से खुद को तुम्हारा सरदार कबुलवाया था, तब मैंने सोचा भी न था कि कभी इसी का प्रयोग मुझे वास्तव में ही तुम लोगों पर करना पड़ेगा। खैर, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, यह तुम क्या कह रहे हो सरदार? हा हा हा, मैं ठीक कह रहा हूँ। हाय, मरा? हे भगवान, यह तो पागल हो गया लगता है। चिंता मत करो, अभी इसका सारा पागलपन दूर हो जाएगा। पलक झपकते ही नकाब पोश ने अपने तमाम जंगली साथियों को मौत के घाट उतार दिया। हा हा हा, अब यह सारा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन मेरा भी तो हिस्सा है इसमें बॉस। हाँ रॉकी, यह लो अपना हिस्सा। आह, लेकिन तभी धाएं, उफ, यह खजाना केवल सरकार को सौंपा जाएगा मिस्टर रमेश सक्सेना। क्या? अब चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं मिस्टर सक्सेना। अच्छा यही होगा कि अब तुम चेहरे से नकाब हटाकर हमसे बात करो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? कैप्टन बादल ने अपनी डायरी में एक रहस्यमय नकाब पोश का वर्णन किया था। वही नकाब पोश, यानी तुम हमें यहाँ मिले और कैप्टन बादल की डायरी को देखते ही पहचान लिया, जिससे मुझे समझते देर न लगी कि तुम ही रमेश सक्सेना हो। मेरे अनुसार तुम्हें कैप्टन बादल पर संदेह था। संदेह का कारण वह खाली बक्सा था जो तुम्हें प्राचीन खंडरों में मिला था, और तुम कैप्टन बादल के पीछे लग गए। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि समुद्र में कूदने के बाद तुम बच कैसे गए। यह निसंदेह मेरे लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। ओह, तब तो तुमसे सब कुछ भी छुपाना बेकार है। तुमने ठीक पहचाना, मैं रमेश सक्सेना ही हूँ। और रमेश सक्सेना ने अपने चेहरे पर पड़ी नकाब को व्यर्थ समझकर चेहरे से नोच लिया। समुद्र में कूदने के साथ ही मैंने जहाज के एक कड़े को पकड़ लिया था। फिर मौका देखकर मैं किसी तरह जहाज के माल गोदाम में पहुंचने में सफल हो गया, और जब वह टीम नरभक्षियों वाले टापू पर उतरी तो मैं भी सबकी नज़रें बचाकर वहां उतर गया। लेकिन दुर्भाग्य से जब जंगलियों ने आक्रमण किया तो वहीं रह गया और वे जहाज लेकर चले गए। फिर मैं किसी तरह उन नरभक्षियों को स्टेनगन व रिवॉल्वर से डरा धमका कर उनका सरदार बन बैठा। वहीं मुझे रॉकी मिला था, जिसे जंगली खाना चाहते थे। परंतु रमेश सक्सेना अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ और इसी के साथ उनके पाँव के नीचे से धरती खिसकने लगी। उफ, अरे यह क्या? ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ज्वालामुखी जाग उठा है, अब यह किसी भी क्षण फट सकता है। हमें तुरंत यहाँ से भाग निकलना चाहिए। नहीं, मैं इतना बड़ा खजाना छोड़कर नहीं जाऊँगा, यह सब मेरा है। बेवकूफ मत बनो रमेश, जान बचानी है तो खजाने का मोह छोड़ दो, अब इसे कभी कोई हासिल नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, यह खजाना मेरा है, मैं इसे लेकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अरे मूर्ख, जल्दी से भाग, वरना। लेकिन अभी शेरबाज अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि वहाँ तीव्र गड़गड़ाहट होने लगी। इसे यहीं छोड़ दो शेरबाज, भागो, वरना हम सबकी कब्रें भी इस मूर्ख के साथ यहीं बन जाएंगी। दिलावर का कहना ठीक था, अतः शेरबाज भी रमेश के लिए और समय नष्ट न कर दिलावर के पीछे भाग लिया, जबकि रमेश शायद अब पूरी तरह पागल हो चुका था। खजाना, हा हा हा, यह सब मेरा है। इसी सुरंग में भागते रहो दिलावर, नक्शे के मुताबिक इसका मुंह उस मंदिर के खंडर में अंदर से खुलेगा। तभी धम धड़ाम, आई, ओह, वह मर गया। रुको मत, जल्दी से यहाँ से निकल चलो। सब पुनः तेजी से भागने लगे। उधर रमेश सक्सेना को अचानक जैसे होश आया। ओह, अब काफ़ी खजाना मैंने समेट लिया है, अब भागना चाहिए वरना मारा जाऊँगा। वह वहाँ से निकलकर भागा, लेकिन ओह, इस ओर से तो सुरंग बंद हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, अभी ज्वालामुखी वाला रास्ता खुला होगा, वहाँ हमारी लटकाई रस्सी भी होगी। शीघ्र ही वह भाग कर वहाँ पहुँचा जहाँ से एक रस्सी की मदद से वे सब नीचे उतरे थे। आहा, यह रही रस्सी। अगले ही पल, लेकिन तभी धड़ाम, उफ, नहीं, और पलक झपकते ही खूनी खजाना अपने साथ रमेश सक्सेना को भी उस भयानक आग के दरिया में ले डूबा। इधर शेरबाज दिलावर व उनके बचे 2 आदमी तेजी से सुरंग में एक ओर को भागे चले जा रहे थे कि एक बार फिर आई धड़ाम, ओह, वे दोनों भी खत्म हो गए। शायद कुदरत को यही मंजूर था। लेकिन समय बर्बाद मत करो दिलावर, जल्दी से आगे भागो। आगे एक जगह पहुंचकर उन्हें रुक जाना पड़ा। उफ, आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं। चिंता मत करो, ऊपर देखो, छत में दरवाज़ा मौजूद है, तुम नीचे झुको, मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर इसे खोलता हूँ। शेरबाज ने उस दरवाजे के भारी कुंडों को एक तरफ सरका दिया। द्वार खुलते ही दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। आहा, ठहरो,
मैं ऊपर पहुंचकर तुम्हें खींचता हूं। शेरबाज ने आनंद फानन में दिलावर को भी बाहर निकाला। फिर दोनों बड़ी तेजी से ज्वालामुखी से नीचे उतरकर एक और दौड़ने लगे। तभी ज्वालामुखी फट पड़ा। उफ, पूरी शक्ति से भागो दिलावर, वरना लावा हमें अपनी चपेट में ले लेगा। शायद उनके सितारे बुलंदी पर थे, तभी तो वे शीघ्र ही एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए। वहां से वे ज्वालामुखी का भयानक रूप स्पष्ट देख सकते थे। रमेश का क्या हुआ होगा शेरबाज? धन के लालची उस वहशी को अब तक मौत अपने भयानक जबड़े में जकड़ चुकी होगी। तो यह थी शेरबाज सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।